हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को मालूम ही है कि पोषाहार वितरण जो हो रहा है वो फिलहाल ओटीपी के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो इसी के संबंध में आईसीडीएस की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कि माह अगस्त यानी इसी महीने का पोषाहार वितरण हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाना है और कब से लेकर कब तक इस टोकन प्रणाली का सत्यापन करने के बाद पोषाहार वितरण करना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें। और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ नए नए वीडियो इसी प्रकार से लेके आता रहूं। तो चलिए, आपको आईसीडीएस का जो लेटर आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 13/8/2021 को ये लेटर आया हुआ है जिसकी संचिका संख्या है 4036। इस लेटर को जारी करने वाले हैं अनुश्रवण पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। नीचे आने पर देखेंगे यहाँ पर इस लेटर का विषय दिया गया है आंगनवाड़ी केंद्रों पर माह अगस्त 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से करने के संबंध में, यानी कि इस माह भी आपको टोकन प्रणाली के माध्यम से ही पोषाहार वितरण करना है। नीचे आने पर सारी जानकारी आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर माह अगस्त 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली के माध्यम से दिनांक देखिए, जो कि इस बार आपको लंबा समय दिया गया है, 13/8/2021 से 31/8/2021 तक पोषाहार वितरण किया जाना है। जैसे कि पिछले माह क्या हुआ था कि आप लोग पोषाहार ओटीपी सत्यापन में देरी कर रही थी जिस कारण आईसीडीएस की तरफ से 2-3 लेटर जारी किया गया था। अतः सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सेविकाओं को निर्देशित किया जाए कि टोकन प्रणाली के सत्यापन के पश्चात दिनांक 13/8/2021 से 31/8/2021 तक पोषाहार वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि ये जो डेट दिया गया है आपको इस डेट के पहले ओटीपी सत्यापन करके पोषाहार वितरण कर देना है। तो आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा? अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अन्य सेविकाओं के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।